हाय गाइस, वेलकम टू research.crypto। पूरी दुनिया में अभी क्रिप्टो बहुत ही धूम मचा रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया की लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सी है। इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज लीडिंग ऐप है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वजीरएक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, कॉइनडीसीएक्स की कंपेरिजन की बात करने वाला हूँ। इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, पहले जानिए, परखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका खुद का होगा। दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में जो दिखाया जाए तो वजीरएक्स 2018 से चल रहा है, कॉइनस्विच कुबेर जून 2020 से चल रहा है और कॉइनडीसीएक्स 2018 से चल रहा है। अगर हम यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो वजीरएक्स का यूजर इंटरफेस प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, कॉइनस्विच कुबेर का प्रोफेशनल इंटरफेस क्लीन लेवल तक पहुंच चुका है और कॉइन डीसीएक्स का इंटरफेस एडवांस लेवल का हो चुका है। दोस्तों, अगर मेकर और टेकर फीस की बात की जाए तो वजीरएक्स की मेकर और टेकर फीस 0.02% दी गई है। अगर हम बात करें कॉइनस्विच कुबेर की तो उनमें मेकर और टेकर फीस 0% है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि उसमें कई सारे हिडन चार्ज लगाए गए हैं। और अगर हम कॉइन डीसीएक्स की बात की जाए तो उनमें मेकर और टेकर फी दोनों सेम है और वो है 0.01%। दोस्तों, अगर आप केवाईसी के बारे में बात की जाए तो वजीरएक्स में केवाईसी का ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है और कॉइनस्विच कुबेर के ऐप में आपको केवाईसी कंपलसरी दर्ज करना पड़ेगा और कॉइनडीसीएक्स में आपको केवाईसी में नो केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर आप 10,000 से कम रुपीस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें केवाईसी दर्ज नहीं करोगे तो भी चलता है। अगर तीनों किस किस में अवेलेबल है उसकी बात की जाए तो आप वजीरएक्स, कॉइनस्विच कुबेर और कॉइनडीसीएक्स तीनों को आप एप्लीकेशन की वजह से भी यूज कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो तो डेस्कटॉप में भी ये तीनों अवेलेबल है। अब हम स्पेशल फ्यूचर्स के बारे में अगर बताया जाए तो वजीरएक्स में बहुत सारे फ्यूचर्स दिए गए हैं, जिसमें आप INR से भी ट्रांसफर कर सकते हो, USDI में भी ट्रांसफर कर सकते हो, VRX में भी ट्रांसफर कर सकते हो और BTX में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर्स दिए गए हैं और वजीरएक्स यहाँ पे सबसे बेहतरीन स्टेबल ऐप है, जिससे में आप बहुत सारे ट्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी बात अगर बताया जाए तो वजीरएक्स में आपको 1 वजीरएक्स टोकन मिलता है, जिसे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 50% तक की आप छूट मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग वजीरएक्स सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें यूजर्स बहुत सारे हैं। और वजीरएक्स में आपको 24/7 कस्टमर सर्विस आपको मिल जाएगी। कॉइनस्विच कुबेर की बात की जाए तो कॉइनस्विच कुबेर के स्पेशल फंक्शन में आप INR से ही आप ट्रांसफर कर सकते हो और इसमें भी आपको 24/7 कस्टमर सर्विस आपको मिलती है। स्पेशल फ्यूचर्स के बारे में अगर हम बताएं तो कॉइन डीसीएक्स में आप BTB में भी ट्रांसफर कर सकते हो, ETH में ट्रांसफर कर सकते हो, BTC में ट्रांसफर कर सकते हो या INR में भी ट्रांसफर कर सकते हो और इसमें भी आपको 24/7 कस्टमर सर्विस मिल जाएगी। अगर हम डिपॉजिट और विड्रो चार्ज के बारे में बात करें तो वजीरएक्स में आपको 10 रुपीज का डिपॉजिट चार्ज लगता है। अगर हम विड्रो चार्ज के बारे में बात करें तो 5.9 रुपीज लगता है। अब हम कॉइनस्विच कुबेर की बात करें तो कॉइनस्विच कुबेर में आपको कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन उसमें हिडन चार्ज बहुत ही है। और इसकी खास बात यह है कि आप
बिना केवाईसी के ये यूज नहीं कर सकते हो। अगर हम कॉइन डीसीएक्स की बात करें तो कॉइन डीसीएक्स अभी तक इंडिया में रजिस्टर नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डाउनलोड चार्ट दिखाया गया है कि कौन सी ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड कर दिए, तो आप देख सकते हो कि इस साल की जो बात करें 1 जनवरी से लेकर 25 जून की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकोगे कॉइन स्विच कुबेर 6.1 मिलियन यूजर्स ने डाउनलोड कर दिया है, वजीर एक्स 5.6 मिलियन यूजर्स और कॉइन डीसी एक्स 0.6 मिलियन यूजर्स। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट दिखाया गया है वो भी 24 आवर में, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वजीर एक्स में आप देख सकोगे कि अराउंड 3,647 के आसपास है और कॉइन डीसी एक्स का वॉल्यूम 759 तक है। वैसे ही यहाँ पे आप कई सारे वॉल्यूम भी देख सकोगे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम वजीर एक्स का है। अब हम नंबर ऑफ डिजिटल कॉइन की बात करें कि किसके पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो आप देख सकते होगे कि यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के पास 210 जितने कॉइन है, वजीर एक्स के पास 147 जितने कॉइन है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चार्ट की ओर नजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पास सबसे ज्यादा और किसके पास सबसे कम कॉइन है। दोस्तों यही रीजन की वजह से आपको अब पता चल गया होगा कि आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है। अगर आप मुझे यहाँ पे पूछते होगे कि आपके मतलब के हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट वजीर एक्स है। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरेंस कोड से आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही छूट मिलेगी। हम आपको न्यूज, इवेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कॉइन एनालिसिस एंड प्राइस प्रिडिक्शन की अच्छी अच्छी जानकारी की अपडेट देते रहेंगे। क्रिप्टो के बारे में आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। research.crypto चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।